गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर जी के में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों के बीच हम जो है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हैं। तो लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एलटी ग्रेड परीक्षा जो है देने वाले छात्र जो है प्रतियोगी छात्र जो हैं वो दो दल में बट चुके हैं, और दोनों लोगों की मांग जो है अलग अलग है। एक दल चाहता है कि जो है पूरी परीक्षा जो है रद्द हो जाए, और दूसरा दल चाहता है कि जो है सबकी जो है रिजल्ट निकाल कर और उसका सत्यापन भी जल्द से जल्द करा कर जो है नियुक्ति दी जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि खबर क्या है पूरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एलटी ग्रेड परीक्षा निरस्त कराने को कैंडल मार्च। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए और दो वर्षों में लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं की जांच किसी रिटायर्ड जज के पैनल की निगरानी में कराई जाए, ऐसी ही तमाम मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को कैंडल मार्च निकाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कॉमर्स फैकल्टी से बालसन चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने तय किया कि इन मांगों को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे सुनील मौर्य ने कहा कि अध्यक्ष एवं सचिव पर कार्रवाई किए बगैर नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाती है। इस दौरान अनुराग वर्मा, अनिल सिंह, सुरेंद्र पांडे, सुनील यादव, अखिल विकल्प, अमित अंशुल, उमराव, अजय उपाध्याय, पवन गुप्ता आदि मौजूद रहे। दोस्तों, ये रही पहली खबर, और दूसरी खबर देखते हैं कि उसमें क्या है, दूसरा दल क्या चाहता है। रिजल्ट और सत्यापन के लिए धरना आज देगा दूसरा दल जो है। प्रतियोगी का एक गुट एलटी ग्रेड परीक्षा निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरा गुट अड़ा है कि आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी विषयों का परिणाम शीघ्र घोषित करे। साथ ही अब तक जारी रिजल्ट में चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन पूर्व निर्धारित तिथि 11 जून से शुरू कराया जाए। इस मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रतियोगी छात्रों का एक गुट प्रतियोगी मोर्चा के तहत सोमवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना देगा। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष शेर सिंह का आरोप है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब जारी रिजल्ट में जिन लोगों का चयन नहीं हुआ वही लोग परीक्षा निरस्त कराने की जो है मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उनकी मंशा में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा की मांग है कि आयोग सभी विषयों का परिणाम घोषित कर ताकि 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक दल चाहता है कि पूरे रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए और 2 साल के अंदर जितनी भी एग्ज़ाम परीक्षाएं जो भी हुई हैं उन सब का जो है जांच कराई जाए, और दूसरा दल चाहता है कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का रिजल्ट जो है अतिशीघ्र जारी करके सभी की नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी की जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर करें।